हमारे टीवी 11 न्यूज चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। आदाब नाज़रीन, टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद हबीब। हैदराबाद का जाना माना मशहूर और मारूफ उस्मानिया सरकारी दवाखाना, इस दवाखाने का नाम काफी है कि हर बहरहाल मरीज ने हर शख्स इस दवाखाने के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में किस तरह से लोग रात गुजार रहे हैं आप देख सकते हैं। एक तरफ माँ अपने बच्चों के साथ कैसे सो रही है, शायद बारिश में आधी रात को उस्मानिया का दौरा करे तो पता चलेगा। मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी उस्मानिया दवाखाने में चारों तरफ गंदगी जगह जगह पर इस्तेमाल कर रही है, कहीं पान और गुटखे के थूके, दूसरी तरफ गंदगी इतनी है कि शायद सेहतमंद आदमी भी बीमार हो सकता है। क्या उस्मानिया सरकारी दवाखाने में इतना सब कुछ हो रहा है तो क्या उस्मानिया दवाखाने के आला ऑफिसर सुपरिटेंडेंट आरएमओ इस चीज पे क्यों तवज्जो नहीं डाल रहे हैं? अब देखना ये चाहिए क्या उस्मानिया दवाखाने में जितनी गंदगी भर रही है, जगह जगह पर थूको और गुटखे और सिगरेटों को पी के फेंका जा रहा है, और यहाँ पर जो जहर इलाज के लिए आते हैं उन अटेंडरों को खिदमत करने वालों के लिए अपना सर झुकाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। अचानक आई इस गर्मा के मौसम की थोड़ी देर की बारिश ने उस्मानिया सरकारी दवाखाने में जहर इलाज के साथ अटेंडरों को और साथ में मरीजों को जगह जगह पर मुसीबत और मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब देखना यह चाहिए क्या उस्मानिया दवाखाने के जिम्मेदार शख्स और दवाखाने के आरएमओ सुपरिटेंडेंट इस न्यूज को देखने के बाद क्या दवाखाने में बदलाव लाएंगे या फिर नजरअंदाज करेंगे। इसका तो हमें इंतजार रहेगा। टीवी 11 की खास रिपोर्ट। नाज़रीन, ये थे आज के खबरें और तेलुगु उर्दू खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों के साथ साथ आप देखते रहे एंटरटेनमेंट शो, पॉलिटिकल पंच, क्राइम न्यूज और आवाम के मसाइल के ऊपर खुसूसी प्रोग्राम। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इस चैनल को टीवी के साथ साथ दुनिया के कहीं भी कोने से कभी भी आप लॉग इन हो सकते हैं लाइव www.tv11live.com और यूट्यूब पर जाकर टीवी 11 न्यूज एंटर करिए और रिकॉर्डिंग प्रोग्राम देखिए। तो नाज़रीन, मैं हूं सैयद हबीब, अब मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।